गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा बेटा देखो थोड़े क्लाउड हैं। अगर विजिबिलिटी की बताओ मुझे, बोर्ड अच्छे से दिख रहा है सभी को? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बोर्ड विजिबल है आज? थोड़े बाहर बेटा क्लाउड ज्यादा है, रोशनी कम है बाहर से। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। आज बेटा थेल्स थ्योरम करेंगे, बीपीटी। और ये थ्योरम बेटा चाहे एक दो बार आपको लिख के करनी पड़े, जैसे लिखवाऊंगा वैसे ही आपको एग्जाम में लिखनी है। क्योंकि अब की बार जो कॉपी चेक की थी उनमें ये पता चला था, बच्चों ने ना गीवन लिखना, गीवन नहीं लिखा, टू प्रूव नहीं लिखा, इससे बच्चों के मार्क्स कटे इसमें, ठीक है ना? तो आपको ये गलती दोबारा रिपीट नहीं करनी है। जैसे ही लिखता जा रहा हूं वैसे ही आपको पेपर में आ जाती है, तो 4 मार्क्स की आएगी और 100% चांस है, यानी आना ही आना है। गुड मॉर्निंग यू टू बेटा, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना? तो थ्योरम करा रहा हूं पहले स्टार्ट, जैसे करवा रहा हूं वैसे ही आपको करनी है, अपनी तरफ से कुछ छोड़ना नहीं है इसमें, ठीक है ना? जो लाइन लिखवाई जाएंगी वो लिखनी पड़ेंगी, नहीं तो नंबर कट जाएंगे फिर आपके, ठीक है? ये एनटीएससी में आएगी नहीं, बोर्ड के पेपर में आएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो क्लास स्टार्ट करते बेटा। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं? बीपीटी। और दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरा थ्योरम, थेल्स थ्योरम। ठीक है, दो टोटल चार, पांच पांच थ्योरम थी बेटा, उनमें से दो आपकी हट गई है, यानी अब जो बच गई है उनमें से आने के चांस है, तो ये 100% ही आनी है आपकी, अगर पेपर में आई तो 100% ही आएगी, ठीक है ना? गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा, बस अब मैसेज बंद करो गुड मॉर्निंग के, काफी हो गए, ठीक है? तो स्टार्ट करते बेटा। सबसे आपको पेपर में कैसे मिलेगी? स्टेट, थेल्स थ्योरम एंड प्रूव इट, आपको बस इतना लिखा मिलेगा, स्टेट, थेल्स थ्योरम एंड प्रूव इट। तो जैसे ही आपको ये लिखोगे तो आपको स्टेटमेंट लिखनी है, स्टेटमेंट, ठीक है? स्टेटमेंट लिखनी है, एग्जिट स्टेटमेंट। तो बेटा आपकी जो लिखनी है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द, अगर एग्जिट आपको लिखनी है तो आपकी जो बुक में दे रखी है वो लिखनी है, इफ ए लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक बार लिख के बेटा मैं इसको रिपीट करूंगा, मैं, इफ ए लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, कट्स अदर टू साइड्स, कट्स अदर टू साइड्स इन, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा आपकी, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो बेटा इसमें से देखो, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट टू पॉइंट्स एंड अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ठीक है? एग्जैक्ट तो बेटा मीनिंग वही के लिए, कट्स अदर टू साइड इन सेम रेशियो। एग्जैक्ट जिस बच्चे को लिखनी है वो बुक से लिख लेगा बेटा, मीनिंग सेम ही है। इफ ए लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ड्रॉन, कट्स अदर टू साइड्स इन सेम रेशियो, इसका मीनिंग अभी ये तो अभी डेफिनेशन लिखी है, स्टेटमेंट है बेटा ये। जो बच्चा एग्जैक्ट लिखनी है उसको कॉपी में करनी है बेटा ये, और एग्जैक्ट आपको डेफिनेशन लिखनी है जो आपकी लिखी हुई है बुक में वो सेम लिखनी है। इफ ए लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल कट्स अदर टू साइड इन सेम रेशियो, ठीक है ना? इसके बाद आपको लिखना बेटा टू प्रूव, या आप लिखोगे जैसे ये तो स्टेटमेंट हो गई, फिर लिखोगे गिवन। गिवन क्या है भाई आपको? गिवन है आपका ए ट्रायंगल, ठीक है?
एक ट्रायंगल गिवन है, लेट कर लिया एबीसी, ठीक है, एबीसी ये ट्रायंगल है, डीई एक लाइन डी है पैरेलल टू बीसी, और ये फिगर आप बना दोगे बेटा साइड में, साइड में ये फिगर बनाओगे, ये डी पॉइंट और ये ई पॉइंट, ठीक है, ए बी और सी। थेल्स थ्योरम बेटा कम से कम दो बार लिख के आपको ये प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है, चार नंबर में आती है, आती है तो ये एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है हमें, हमने एबीसी मैंने अपनी तरफ से ले लिया, एक ट्रायंगल गिवन था, ठीक है, एक लाइन है पैरेलल, और मैंने पैरेलल ले ली डीई, डीई लाइन पैरेलल टू बीसी, ये दोनों लाइन पैरेलल है भाई, ठीक है। तो ध्यान से बेटा मेन है फिगर, फिगर के ऊपर सारा काम करना है। इसके बाद टू प्रूव, प्रूव क्या करना है आपको, ठीक है, क्या प्रूव करना है, ये सारे जो पॉइंट लिखवाता जा रहा हूं बेटा वो लिखने पड़ेंगे। एग्जाम में बच्चे गलती क्या करते हैं, लिखा होता है स्टेट, स्टेट थ्योरम, तो बच्चे स्टेटमेंट लिखना ही भूल जाते हैं, ठीक है ना, अब की बार नंबर कटे उन बच्चों के जिन्होंने नहीं लिखा था। 2C पॉइंट, 2C पॉइंट का हो गया बेटा ए बी और सी, ठीक है, ये डी है और ये ई पॉइंट है, आपको साइड ई दिख रहा है, ये सी दिख रहा होगा, मैं दोबारा बना देता हूं बेटा ध्यान से देख लो, ये ई है, ई पॉइंट है बेटा, ये डी ई, ये पैरेलल है बीसी के, ठीक है, थोड़ा जो बोलता हूं उस टाइम में ध्यान रखा करो मैंने क्या लिखा हुआ है। इसके बाद बेटा टू प्रूव, टू प्रूव क्या करना है, ए डी ये साइड डिवाइड बाय डीपी, या आप बी डी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, बी डी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाय ई सी, ये प्रूव करना है। इतना लिखना बेटा, ये तीन तो अभी शुरू भी नहीं हुई है थ्योरम, ये आपको लिखने हैं, ठीक है, समझा के आपको स्टेटमेंट लिखनी है, अगर स्टेट लिखा हुआ है स्टेट थ्योरम तो फिर स्टेटमेंट लिखनी है, फिर गिवन क्या है, गिवन में आपने क्या फिगर बनाया है, ठीक है, जो इसमें गिवन है लाइन ट्रायंगल दे रखा था मैंने एबीसी लेट कर लिया, डीई पैरेलल टू बीसी एक पैरेलल लाइन दे रखी थी, ठीक है, उसके बाद गिवन प्रूव, टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, तो ये चीज आपको बेटा थ्योरम में लिखनी पड़ेगी, ये केवल बोर्ड के पेपर के लिए बेटा, एनटीएससी के लिए तो बस आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये रेशियो याद होना चाहिए आपका जो बच्चे एनटीएससी के। अब ये इतनी आपको लिखने की बेटा प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करता मैं बिल्कुल ऊपर से बेटा, ये चीज अपनी नोट कर लेना, ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूं और दोबारा फिगर बनाऊंगा मैं, ठीक है, नीचे बार बार नीचे जब करना पड़ेगा क्योंकि एक बार में एक बोर्ड पे नहीं आएगी। अब ध्यान से समझना इसको बेटा, फिगर यहां बना देता हूं मैं, ध्यान से देख लो, थोड़ा सा बड़ा फिगर बना देता हूं मैं, लाइन आपकी डी और ई, ए बी और सी, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, प्रूफ, लेकिन प्रूफ स्टार्ट करने से पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी आपको, डीई को डीसी को ज्वाइन करना पड़ेगा, ये जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो ये डॉटेड लाइन से बनाओगे, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और डॉटेड लाइन से बनाओगे आप, ठीक है, डॉटेड लाइन दिख नहीं रही होगी पर ध्यान रखना पड़ेगा डॉटेड बनानी है ये आपको, ठीक है, उसके बाद बीई इसको ज्वाइन करोगे, क्लियर हुआ बेटा, ये डॉटेड लाइन बना रहा हूं ध्यान से समझो, ये डी सी को ज्वाइन किया करना है डॉटेड लाइन से, बी ई को ज्वाइन करना है डॉटेड लाइन से, उसके बाद डी पॉइंट से, डी पॉइंट से आपको ए ई के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, डी ई, तो इसकी नेमिंग और करो बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये एम, ठीक है,
आपको DM परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AE के ऊपर, परपेंडिकुलर 90 एंगल, और E पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AD के ऊपर, ठीक है। AD के ऊपर आपको, तो ये EL हो गया बेटा, ठीक है, समझ में आया। यहां तक किसी बच्चे को कंस्ट्रक्शन में कोई डाउट हो तो बताओ बेटा, कुछ विजिबल ना हो तो वो बताओ मुझे। BE ये ज्वाइन करना है डॉटेड लाइन से, DC ये भी डॉटेड लाइन से, ठीक है। उसके बाद ये डॉटेड लाइन से बनाओगे तो सही रहेगा, डॉटेड से बनाना इसको भी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये भी डॉटेड, ठीक है, ये डॉटेड होने चाहिए आपकी। अब स्टार्ट होता है बेटा हमारा, ये कंस्ट्रक्शन की हमने एक्स्ट्रा, ठीक है बेटा। कंस्ट्रक्शन रिपीट क्या करूं बेटा ये बताओ, ये फिगर रिपीट करूं, फिगर में क्या रिपीट करना है ये बताओ बेटा। ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, डीई पैरेलल है बीसी के, ये गिवन है, ठीक है। प्रूव क्या करना है, एडी अपॉन में डीबी, ठीक है, एई अपॉन में ईसी, ये प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, बी और ई को ज्वाइन कर दो डॉटेड लाइन से। कंस्ट्रक्शन रिपीट कर रहा हूं भाई, बी ई इसको ज्वाइन करना है डॉटेड लाइन से, ठीक है, डी सी इसको ज्वाइन करना है डॉटेड लाइन से, और क्या करना है, डी पॉइंट से ए सी या ए ई बोल लो, ए ई के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी डी एम परपेंडिकुलर टू एम ई। आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन क्या कर दिया आपने, डी एम परपेंडिकुलर टू, सॉरी, डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई, और आपका ई एम परपेंडिकुलर टू ए डी, ये आपको एक्स्ट्रा लिखने पड़ेंगे। अब प्रूफ के ऊपर आ जाओ बेटा, अब ये ध्यान से देखना मैं कौन कौन से ट्रायंगल ले रहा हूं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान में नहीं रहे तो आप प्रूव नहीं कर पाओगे, फिर आपको ध्यान में, मुझे जो प्रूव करना है उसके ऊपर ध्यान रखना। मुझे प्रूव करना है AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, ये प्रूव करना है बेटा, ये प्रूव जो करना है। तो इसमें देखो AD चाहिए मुझे और फिर ये BD चाहिए, ये दोनों लाइन चाहिए मुझे, ठीक है। तो AD लाने के लिए क्या करूंगा, मैं एरिया लूंगा ट्रैक, मैं ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं, कंसीडर ट्रायंगल ADE, ठीक है, ADE ध्यान से देखते रहो बेटा, बस ADE ट्रायंगल लिया, इसका एरिया बताओ बेटा, एरिया क्या होगा इसका, हाफ, बेस क्या रहेगा, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, AD के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो बेस हो जाएगा AD। हाइट क्या होगी, हाइट जो EN हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, EN, ठीक है। दूसरा इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया हाफ, अगर मैंने बेस AE को ले लिया, AE इनटू, तो हाइट क्या हो जाएगी, DM, ठीक है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है बेटा, हाइट आपकी DM हो जाएगी। ये दोनों किसके एरिया निकाले मैंने, ये दोनों एरिया निकाले हैं आपके, इसका ट्रायंगल का एरिया निकाला है ADE का, ADE इसका हमने एरिया निकाला है, ठीक है, दोनों इक्वल हो गए हमारे, ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद बेटा इससे देखो AD मिल गया मुझे और AE मिल गया, क्लियर हो गया, AD मिल चुका है, AE मिल चुका है। अब ये और बनाने हैं मुझे, कैसे बनाएंगे वो ध्यान से देखो, कंसीडर ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल लेंगे, अब की बात ध्यान से ट्रायंगल देखना बेटा, ट्रायंगल है हमारी बी ई और डी, ध्यान से बी ई और डी,
कुछ बच्चे कंफ्यूज भी होंगे बेटा, ध्यान से देखना इसमें बी ई और डी ये वाली ट्रायंगल बेटा, ठीक है, जो हमने डॉटेड लाइन कंस्ट्रक्शन से बनाया है ये, इसको लेना है हमें। अब इसका एरिया कैसे आएगा, एरिया हाफ, बेस क्या होगा, बेस बेस होगा बीडी, क्लियर, और इसके बीडी को आगे एक्सटेंड करेंगे तो ई एन परपेंडिकुलर होगा, इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया लेकिन मेरी साइड इतनी रहेगी, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, बेस मेरा बीडी रहेगा और हाइट क्या रहेगी, ई एन, यानी इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा है, ई एन, तो इसका एरिया आ जाएगा बेस, बेस है बीडी इनटू हाइट ई एन, ठीक है, हाइट हमारी ई एन, ये आ गया हमारा। उसके बाद कंसीडर ट्रायंगल, कंसीडर ट्रायंगल सी डी ई, ठीक है, सी डी ई, कम से कम दो बार प्रैक्टिस करनी है बेटा, एक बार ध्यान से देख के मैंने क्या क्या कंसीडर किया है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई आपकी सी डी ई, एरिया आएगा आपका, इसका बताओ एरिया। अब ये ट्रायंगल लिया बेटा, ये ट्रायंगल में बेस क्या हो जाएगा, इसी, तो हाफ बेस आपका इसी इनटू, तो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर है डीएम, तो परपेंडिकुलर हाइट हो गई हमारी डीएम, ठीक है, हाइट हमारी डीएम हो गई है, ये चीज हो गई। अब मैं इनकी नेमिंग करता हूं बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइड बाय, ध्यान से बेटा, थेल्स थ्योरम है सर ये, हाँ भाई थेल्स थ्योरम है, लेट ज्वाइन किया गया अभी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, ठीक है, एक तो एडी का एरिया लेना है, इसके नीचे ये साइड आनी चाहिए, तो कौन सा लूंगा मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी, ध्यान से देखते रहो बेटा, ठीक है, कितना आएगा ये आएगा आपका हाफ, तो कैंसिल हो जाएगा हाफ, तो कैंसिल हो जाएगा हाफ एडी, ठीक है, एडी आपका और ई एन, नीचे हाफ इसका एरिया बीडी इंटू ई एन। अब बेटा कितने कैंसिल हो रहे हैं, हाफ कैंसिल हो गया, ई एन कैंसिल हो गया, क्या है आपका एडी अपॉन में बीडी, ठीक है, ये आपको एरिया लेना है, यानी मेरी एक साइड आ गई है लेकिन अभी इक्वल नहीं हुए ये। दूसरा हमें क्या लेना है, दूसरा हमें लेना है एरिया, ऊपर करना पड़ेगा फिर आपको विजिबल नहीं होगा बेटा, ये चीज बेटा दोबारा देखते रहना अपने। अब लेना बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, ठीक है, नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई, तो एक तो एरिया हमने ये निकाला था, अब की बार मुझे ये साइड लेनी है भाई, हाफ ए ई इंटू डी एम। अगर किसी बच्चे को पहली बार में समझ में ना आए तो दोबारा ये वीडियो देख सकता है बेटा, दोबारा वीडियो देखना बेटा, ठीक है, दो एरिया निकाले थे मैंने एरिया के, ऊपर वाला मैंने यहां यूज कर लिया, नीचे वाला इसमें यूज कर रहा हूं मैं, नीचे सी डी ए, सी डी ई इसका एरिया है हमारा हाफ इसी, हाफ इसी और डी एम। यहां पे क्या कैंसिल हो जाएगा, हाफ कैंसिल डी एम कैंसिल, तो यहां से आ गया ए ई अपॉन में इसी, ध्यान से बेटा, एक तो ये आया था एडी, लेकिन अभी ये हमारा रेशियो है एडीई, ये ऊपर वाला तो कैंसिल हो जाएगा, अगर ये मैं प्रूव कर दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी और एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडी ये दोनों इक्वल है, ठीक है, अगर ये दोनों प्रूव कर दूं, और ये प्रूव हो जाएगा कैसे, नाइन्थ क्लास में आपने थ्योरम पढ़ी थी, एरिया बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, ठीक है, एंड सेम बेस आर इक्वल, एरिया
ऑफ टू ट्रायंगल्स बिटवीन टू पैरेलल साइड्स एंड कॉमन बेस, ठीक है, इज आर इक्वल, आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है, आपको क्या लाइन लिखनी पड़ेगी, आपको लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी, ठीक है, एरिया ऑफ, ये दोनों इक्वल है, इसका रीजन फिर लिखना पड़ेगा आपको, रीजन क्या है भाई, रीजन लिखना पड़ेगा आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन टू पैरेलल साइड्स एंड सेम बेस। अब यहां पे ध्यान से देखो बेटा, दो पैरेलल साइड कौन सी है, एक तो डीई आपकी और बीसी पैरेलल है, और सेम बेस कौन सा है, बेस आप कोई भी ले सकते हो, डीई को ले सकते हो या बीसी, तो बीसी को लेना बेटा, बीसी आपका सेम बेस है, ठीक है, पूरी थ्योरम को नोट करने के लिए आपको पूरी एक बार वीडियो स्टार्टिंग से देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार बोर्ड पे पूरी नहीं आएगी, बेस सेम कौन सा है, बीसी, और पैरेलल साइड डीई पैरेलल बीसी, ठीक है, इनके बीच में एरिया आर इक्वल, ठीक है, ये इक्वल होते हैं, इसलिए मैंने इसको इक्वल लिखा, इसका रीजन लिखना पड़ेगा आपको, मोस्टली बच्चे इस रीजन को छोड़ देते हैं बेटा, ध्यान से सुना, जो गलती बता रहा हूं मैं, ये रीजन लिखना ही भूल जाते हैं, क्यों भाई आपने इसको एरिया को इक्वल कैसे कर दिया, ये रीजन लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन टू पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन सी है, डीई पैरेलल टू बीसी एंड सेम बेस, ये नाइन्थ क्लास की थ्योरम है बेटा, सेम बेस है हमारा बीसी, ये लाइन जिसने नहीं लिखी उसके मार्क्स कट जाएंगे बेटा, और स्टार्टिंग में गिवन टू प्रूव, ये जिसने नहीं लिखा स्टेटमेंट उसके मार्क्स कट जाएंगे फिर, ठीक है ना, और हाफ हाफ मार्क्स के लिए फिर बच्चे करते हैं, सर हमारे नंबर तो पूरे आने चाहिए, ठीक है ना, तो ये आपके इक्वल हो जाएंगे, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये भी आपके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल हो गई तो ये तो वन हो जाएगा, तो आपकी ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, और लास्ट में लिख देगा हैंस प्रूफ, ठीक है, हैंस प्रूफ, ये हमारी थ्योरम हुई है बेटा, और इस थ्योरम कराने में 22 मिनट लग गए, चलो ठीक है, 22 मिनट लग गए थ्योरम कराने में, तो इस थ्योरम को बेटा दो बार लिख के प्रैक्टिस करोगे, जो बच्चे जिस बच्चे ने लेट ज्वाइन किया है वो बेटा स्टार्टिंग से वीडियो देखेगा जब भी फ्री टाइम मिलेगा उसे, ठीक है, और इस पूरी थ्योरम को नोट करेगा, फिर कॉपी में इसको करेगा, दो बार फिर रफ कॉपी में प्रैक्टिस करनी है, क्या क्या स्टेप है, ठीक है, एक दो क्वेश्चन करते बेटा, सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस है, ठीक है, सभी क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस है, मैंने पूरी थ्योरम करा दी है आपको बेटा, ये वीडियो एक बार जिस बच्चे ने लेट ज्वाइन किया है दोबारा देखेगा इसको, ठीक है, क्वेश्चन देखो बेटा इसके ऊपर, क्वेश्चन बहुत इजी है, 6.2 पहला क्वेश्चन, जैसे आपका ट्रायंगल बना रखी है बेटा ऐसे, ये लाइन पैरेलल है डी और ई, ये आपका ए बी और सी, ये वन दे रखी है बेटा 1 सेंटीमीटर, और ये 1.5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, आपको ये फाइंड करनी है इसी, ठीक है, अब आपने देखा बेटा कितने क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन ट्राई करने बेटा आपको 5 ट्राई करने की कोशिश करना, मैं अभी पहला करवा के, ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ अब की बार एग्जाम में आया था वो स्टार्ट करवाता हूं बेटा, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन करवाऊंगा इसके बाद, अब आपने इस क्वेश्चन में देखो बेटा, इसमें आपका DE parallel to BC थेल्स थ्योरम कब अप्लाई करोगे, जब भी आपको कोई भी साइड तीसरी साइड के किसी साइड के पैरेलल मिल जाए कहीं पर भी किसी भी ट्रायंगल में, ये पैरेलल है भी, ठीक है,
तो ये पैरेलल है, इसने खुद दे रखा है बेटा, अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हम। इसलिए क्वेश्चन में दे रखा है DE पैरेलल टू BC, खुद दे रखा है DE पैरेलल टू BC। अगर ये पैरेलल दे रखी है तो हम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं BPT। तो BPT क्या थी हमारी, ये साइड AD डिवाइड बाय BD, ठीक है, दूसरा AE डिवाइड बाय EC, ठीक है, ये साइड, ये अप्लाई करोगे, जो जो दे रखा है वो इसमें पुट कर दो और अपना आंसर निकाल दो। थ्योरम अप्लाई करनी है बस, प्रूव नहीं करनी है। ये आपका 1.5, नीचे 3, AE ये 1 और EC, बस EC फाइंड करना है। ये कट जाएगा आपका 2 पे, तो EC आ गया आपका 2 बेटा, ये आपका आंसर आ गया बेटा, EC आपका 2। अप्लाई करना टफ नहीं है, ठीक है, प्रूव अपने ध्यान से कर लेना। इसके बाद 4 क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करने बेटा, जो डाउट आए वो मुझे बता देना। केवल 5 क्वेश्चन करने आपको, 5 क्वेश्चन करने आपको कॉपी में, थेल्स थ्योरम प्रैक्टिस करनी है आपको, और 5 क्वेश्चन करने हैं 6.2 के। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्टली बच्चों ने बेटा गलती कर रखी थी इसमें, और ये इतना आसान क्वेश्चन है, अब की बार आया था ये पेपर में, 2 नंबर में था, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। फिगर देखो ध्यान से, ए बी और सी, एक दे रखा है बेटा जो गिवन है उसको लिखना है आपको, गिवन गिवन है DE पैरेलल टू AC, तो इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है भाई, ठीक है, ये D पॉइंट है, ये E पॉइंट है, ये दोनों पैरेलल दे रखे हैं भाई, ठीक है। उसके बाद दूसरे और दे रखा है बेटा DF, DF पैरेलल टू AE, यानी दो पैरेलल लाइन मिल गई है बेटा, समझा नहीं भाई, मना समझा, डी एफ पैरेलल टू, दो दे रखी है बेटा, यानी आपको दो बार थेल्स थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो डी एफ पैरेलल टू AE, आपको ये जॉइन करना है भाई AE, और इसके पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करनी है आपको, इसके AE के पैरेलल, ये भाई ये आपका F पॉइंट है, ये डबल ध्यान से देखना बेटा, जिसके ऊपर मैंने दो लगाए हैं ये आपस में पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल है, ठीक है, ये आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। इसके बाद आपको जो प्रूव करना है, प्रूव बी एफ एफ ई इज इक्वल टू BE डिवाइड बाय EC, ध्यान से समझना बेटा इसको, ठीक है, ये क्वेश्चन आई थी बेटा, आपने ध्यान से देखो इसको, ये प्रूव करना है, प्रूव के ऊपर ध्यान रखना है आपको, ये प्रूव करना है कैसे, पहले तो आ जाओ बेटा, ये जो गिवन है गिवन के ऊपर हमेशा फोकस करना, क्या गिवन है, DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC, यानी थेल्स थ्योरम अप्लाई करो, अप्लाई गिवन है, गिवन है सिंस DE पैरेलल टू AC, अप्लाई BPT, ठीक है BPT भाई आपको ये लिखनी पड़ेगी, अप्लाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो अगर ये आपकी थ्योरम ऐसे भाई, ये लाइन पैरेलल है तो कैसे लिखोगे, BD उसके बाद AD, ठीक है, यहां से बेटा ये पैरेलल है इसके, तो यहां से आपकी स्टार्ट होगी BD अपॉन में AD, ठीक है, इज इक्वल टू BE अपॉन में EC। किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो बताओ बेटा, ट्रायंगल उल्टी सुलटी करने से फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लाइन पहचाननी है, DE पैरेलल है AC के, तो यहां से स्टार्ट होगा BD फिर DA, ठीक है, उसके बाद BE और EC,
ऐसे लिखनी है आपको थेल्स थ्योरम, ये आपको फर्स्ट कर देना है फर्स्ट। दूसरा सिंस अब दूसरे को यूज करेंगे डी एफ पैरेलल टू ए ई, ठीक है डी एफ पैरेलल है ए ई के, इसके ऊपर अगेन अप्लाई बीपीटी, ठीक है जो अभी थ्योरम कराई थी 20 मिनट में वो थ्योरम जस्ट अप्लाई करनी है बेटा। अब ये लाइन को डी एफ ये पैरेलल बेटा ट्रायंगल ये बन जाएगा आपका बी ए ई, इसके ऊपर थ्योरम अप्लाई करोगे तो कैसे बी डी अपॉन में ए डी विजिबल है, उसके बाद बी एफ और नीचे आएगा ये एफ ई। हमेशा पैरेलल साइड को ध्यान में रखोगे तो गलती नहीं होगी आपकी, हम ये दो पैरेलल साइड है तो बी एफ और एफ ई ये लिख दिया भाई। ये दूसरा अभी फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू देखो बेटा ये भी बी डी अपॉन में डी है, ये भी बी डी अपॉन में डी है, तो इससे क्या आ जाएगा बी ई अपॉन में फ्रॉम वन एंड टू एन टू बी ई अपॉन में ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन में एफ ई, और यही हमें प्रूव करना था, ध्यान से देख लो यही हमें प्रूव करना था बी एफ अपॉन में एफ ई और बी ई अपॉन में ई सी, हैंस प्रूव। बच्चों ने इतनी गलतियां कर रखी थी पेपर चेक किए मैंने, पर बस अपनी मर्जी से कुछ ही लिखते जा रहे हैं, कोई पॉइंट कहा लिख रहे हैं कहीं कोई पॉइंट लिख रहे हैं, नंबर नहीं मिले बेटा जीरो नंबर मिले हुए बच्चों को, ठीक है ना। अगर आपने एक्यूरेट सही पॉइंट लिखा है तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे, वरना बेटा नंबर कट जाएंगे अपने आप ही। हर पॉइंट का बेटा ध्यान से आपको पैरेलल साइड पहचाननी है, कौन कौन सी पैरेलल साइड है और उनका रेशियो लिखना है फिर, ठीक है। रिपीट करने की जरूरत है बेटा, रिपीट नहीं दोबारा देख लेना बेटा अगर किसी बच्चे को डाउट है तो। क्लास एंड करता हूं बेटा, टाइम हो गया है।